हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ठीक है सो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होता क्या है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप पीरियोडिकली अ ब्लू ऑफ इट्स ओन डेवलपमेंट विच नॉट ओनली इंक्लूड्स प्लान फॉर फर्दर ग्रोथ बट ऑल्सो प्लान फॉर रेजिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट हो ठीक है आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए उन्हें क्या करना होता है उन्हें अपने लिए एक प्लान डेवलप करना होता है नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लान ये प्लान वो फ्यूचर में क्या क्या चीजें इंप्रूव करने वाले हैं किस तरह से उनकी इंप्रूवमेंट होने वाली है उस पर फोकस करता है प्लस अभी जो उसकी प्रेजेंट सर्विसेज है जो अभी उसका काम है वो कैसा चल रहा है उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं उस बारे में इस पूरे प्लान में इंफॉर्मेशन होती है ठीक है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको ये ब्लूप्रिंट तैयार करने होते हैं अपनी डेवलपमेंट को लेके कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे अभी क्या सर्विसेज हैं वो सब चीजें हमें देखनी होती है इट इज़ द प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्रिपेयर बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज और विच विल बी अवेलेबल इसमें एक बहुत ही मेन पॉइंट है कि ऐसे रिसोर्सेज जो अभी हमारे पास प्रेजेंट है रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज़ है फंड या फैसिलिटीज एनी जो अभी प्रेजेंट है और जो फ्यूचर में प्रेजेंट होगा हम दोनों पे फोकस करते हैं ठीक है एंड क्यों ताकि हम लोग हमारा जो स्कूल है इंस्टीट्यूट है उसकी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकें जो जो चीज़ें स्कूल में कराई जा रही हैं जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं उसको इम्प्रूव करने के पर्पज से हम ये काम करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल किस चीज़ पे बेस्ड होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं जो भी रिसोर्सेज हम उनको किस तरह से बेटर कर सकते हैं तो इसमें हमारा फोकस होता है कि जो जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं ये हमारी कोशिश रहती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस प्लानिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड नीड अब क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को इंप्रूव करना चाह रहे हो या आपको पता है कि मुझे इसको बेटर करना है तो आप ढूंढोगे कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है किसको बेटर कर सकते हैं क्या नीड्स हैं मतलब जबरदस्ती कहीं पे भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं ना हमें देखना पड़ता है कि कहाँ कौन से एरिया में प्रॉब्लम है जहां पे कुछ सुधार ला सकते हैं क्या जरूरतें हैं मतलब अगर किसी इंस्टीट्यूट को सपोज फंडिंग चाहिए पर्टिकुलरली लैब सेटअप करने में तो आप उन चीजों को ठीक करते हो दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डन ईजिली बाय टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द पीपल वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन सपोज आप एक इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो जो लोग ऑटो मतलब ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं आप उनसे फीडबैक लोगे ना या फिर जो लोग पढ़ रहे हैं मतलब अगर बच्चों की बात करें आप ऐसे उनसे फीडबैक लेके आप चीज़ों को ठीक करोगे सो यहाँ पे भी, भी क्या होता है ना कि अगर मुझे कोई चीज़ इंप्रूव करनी है अपने इंस्टीट्यूट में तो मैं लोगों से फीडबैक लेती हूँ कि क्या है क्या अच्छा हो सकता है किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं ठीक है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिवस होते हैं यानी कि अगर हम इंस्टीट्यूशनल तो प्लानिंग कर रहे तो क्यों कर रहे टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब कोई चीज है एजुकेशन तो ऐसी चीज है हर दिन अपग्रेड हो रही है अब आपको जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है एक ढांचा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का उसको बेटर करना ठीक है आप चाहते हो कि उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक पॉजिटिव दिशा मतलब एक डायरेक्शन मिले जिससे वो बेटर हो सके टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द मेम्बर ऑफ स्टाफ कम्युनिटी टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन्हें क्या करना है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है किसको जो भी लोग काम कर रहे हैं उस स्टाफ कम्युनिटी में ताकि वो लोग खुद से कुछ ना कुछ करके यू नो इम्प्रूव ला सके सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ टीचर्स को अगर हम इतनी छूट दें कि वो नए चेंजेस ला सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करवा सकते हैं या जो पहले मेथड है उनको ना करके अपना इनोवेटिव आइडियाज़ लगा सकते हैं तो डेफ़िनेटली इंस्टीट्यूशन में कुछ बेनिफिट्स होंगे तो आप ये अपॉर्चुनिटी मेम्बर स्टाफ कम्युनिटी के लोगों को दे रहे हो टीचर्स को सोचने के मतलब छूट देना आप उन्हें फ्रीडम दे रहे हो कि भाई वो इनोवेटिवली सोच लें मतलब कि वो जितना चाहते हैं अच्छे से काम करना वो कर सकें उनके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ना हो कि केवल बुक से पढ़ाइए या केवल इस तरह से पढ़ाइए ताकि वो जो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको इंस्टीट्यूशन की इंप्रूवमेंट में अप्लाई कर सकें ठीक है टू डेवलप को करिकुलर प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूशन लाइक सोशल सर्विस एडल्ट एजुकेशन एनसीसी एनएसएस स्काउट्स गाइड एटसेट्रा को करिकुलर प्रोग्राम्स जो हैं उनको डेवलप करना और भी चीजें ठीक है ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई की चीज़ें हैं केवल कोर्स मटेरियल है वही आप और जो सोशल सर्विसेज हैं एडल्ट एजुकेशन है एनसीसी स्काउट्स इन सब चीज़ों को भी इंकरेज करोगे जो भी रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी है कई कॉलेजेस स्कूल्स में जो ऑलरेडी रिसोर्सेज होते हैं ना उन्हीं का यूज तो होता ही नहीं है और नए रिसोर्सेज जो आ रहे हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए तो ऐसे में हम चाहते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको अच्छे से यूज कर सकें To create an environment which enable every teacher, administrator, parent and student to take part in the formulation and implementation of the plan. ab kya karoge aap ek aisa environment create karoge jisse har ek teacher, administrator जो संभालते हैं सारी चीजें you know office work and extra का जितना भी supportive work होता है, parents आप उनको बोलोगे कि भाई आप लोग अपना feedback दीजिए क्यों? पेरेंट्स को भी कई बार ना एजुकेशन सिस्टम में कई लूप होल दिखते हैं इंस्टीट्यूशन में लूप होल दिखते हैं बच्चों को तो सबसे ज्यादा अच्छे से पता चलते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं सपोज आप एक कॉलेज में पढ़े हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको पूरे तीन साल हुई है तो आपसे बेटर वो कोई चीज़ बता ही नहीं सकता है तो आप क्या कर रहे हो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो जिसमें हर टीचर एडमिनिस्ट्रेटर पेरेंट ये सारे के सारे अच्छे से फॉर्मुलेट कर रहे हैं इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्लान को ठीक है सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग नाउ Characteristics क्या है प्लान इज स्टूडेंट्स जो प्लान है वो प्रिपेयर करते हैं स्कूल की जरूरतों को देखते हुए और ये जरूरतें किसने आइडेंटिफाई करी किसने पता लगाया कि ये हमारी नीड है जो प्रिंसिपल है स्कूल स्टाफ है स्टूडेंट हैं इन्होंने पता लगाया है ठीक है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंपल ऑफ ऑप्टिम यूटिलाईजेशन ऑफ रिसेबल ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब सपोज आपके पास मैंने बताया ना एग्जाम्पल दी फंडिंग है फंडिंग मतलब आपके पास इतने लाख रुपए हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूट में इंप्रूव कर सकते हो तो ऐसे में आप क्या करोगे आप जबरदस्ती खर्चा ना करके फालतू तो जगह ना करके उसको जितना मैक्सिमम किसी भी रिसोर्स और इनफैक्ट ये रिसोर्सेज केवल पैसों के लैंग्वेज में नहीं हम और तरीके से भी देख सकते हैं किसी की कोई फैसिलिटीज हैं अगर हमारे पास पार्क है हम उसको कैसा बेटर कर सकते हैं अगर हमारे पास बिल्डिंग खाली पड़ी है तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं सो so, ये सारी चीज़ें जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उसको किस तरह से बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं गोल ओरिएंटेड है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का एक गोल होता है कि हम अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो हम फ्यूचर में चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा हो सो दिस इज गोल ओरिएंटेड इट इज स्पेसिफिक फॉर एन इंस्टीट्यूशन यानी कि हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक स्पेसिफिक प्लानिंग होती है ऐसा नहीं होता कि आपने एक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूट के लिए कोई एक प्लान लगाया है और सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए आप वही प्लान लगा रहे हो दिस इज नॉट पॉसिबल इट एम्स एट स्कूल इंप्रूवमेंट एज वेल एज स्कूल डेवलपमेंट किसकी तरफ एम होता है इसका कि भाई स्कूल की भी इंप्रूवमेंट हो स्कूल की भी डेवलपमेंट हो ठीक है इट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट देखो कई बार क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में इनकी तरह का प्लान फॉलो होता है है ना सो so, ये एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाता है कि, कि किस तरह से एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं या उसको बेटर कर सकते हैं इट इज फ्लेक्सिबल इंड इज कंटिन्यूसली डेवलपिंग ये काफी फ्लेक्सिबल होता है कंटिन्यूसली डेवलप करता है एंड इंस्टीट्यूशनल प्लान के नॉट भी रिजिड विद नो प्रोविजन फॉर चेंजेस यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल प्लान रिजिड नहीं हो सकता ठीक है इट के नॉट भी रिजिड मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल फ्लेक्सीबिलिटी हम अलाउ नहीं करेंगे या हमने अगर एक बार बना दिया तो उसके बाद चेंजेस पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं होता वहाँ पे हमेशा चांसेस रहेंगे चेंजेस के आप हमेशा उसके अंदर चेंजेस कर सकते हुँ. इट रिजल्ट मोटिवेशन लेवल ऑन टीचर स्टूडेंट कम्युनिटी एंड द मैनेजमेंट इसमें क्या होता है जो लोगों का मोटिवेशन लेवल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अगर एक टीचर को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं अच्छे पर्क्स मिल रहे हैं अच्छी लैब मिल रही है बच्चे थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं तो टीचर का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, है ना सेम बच्चों के साथ है अगर वो केवल बुक से पढ़ रहे हैं एक क्लासरूम में जो गंदा सा है उसमें बैठ के तो उनका मोटिवेशन इतना नहीं होगा लेकिन टीचर और बच्चों का मोटिवेशन इंक्रीज हो सकता है अगर आप ध्यान से प्लानिंग करें चीजों को उसके अकॉर्डिंग रखें इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड हम क्या चाहते हैं फ्यूचर के लिए मतलब फ्यूचर का सोच के हम उस उसपे वर्क करें इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड तो सबसे बड़ा मतलब यह है कि हमारा प्लान ही यही है कि हम फ्यूचर में उसको अच्छा करना चाहते हैं तो फ्यूचर का आगे का सोच के आपने ये प्लान डेवलप करें ठीक है सो दैट वॉज इट ये एक शॉर्ट वीडियो ऑल दो मैं इस पूरे टॉपिक पे पाँच से छः वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें प्रोसेस क्या है वो अलग है एडवांटेजेस एंड स्कोप के ऊपर अलग है एवेल्युएशन पे अलग है सो so अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वेबसाइट है प्रप्विद हर्षिता जिसको मैंने अपडेट करना शुरू कर दिया है कुछ टाइम में आपको काफ़ी अच्छे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.